This is exercise 2.58 of the book of Halliday, Resnick and Green and the chapter is 2. Uh, so the statement of the problem is a ball is dropped from a height of 2.2 meter and rebounds to a height of 1.9 meter above the floor. Assume the ball was in contact with the floor for 96 milliseconds.

कि जो बॉल था वो ग्राउंड के साथ नाइन्टी सिक्स मिली सेकेंड तक तक इन टच रहा है तो जो एक्सलोशन है बॉल के अंदर इस टाइम में वो क्या होगा तो एक्सेलेशन चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बतानी है सो इट्स बेटर कि हम इस प्रॉब्लम uh, की पहले डायग्राम uh, ड्रा कर लें और फ़र्ज़ करें कि ये ग्राउंड है ये लेवल जो है ये ग्राउंड है और अगर ये ग्राउंड लेवल है तो हम ये कह सकते हैं स्टार्ट में कि जो बॉल है वो इनिशियली इस पॉइंट से गिरता है एंड दिस हाइट इज़ टू पॉइंट टू मीटर सो दिस हाइट लेट्स कॉल इट एच वन एंड दिस इज़ टू पॉइंट टू मीटर्स और उसके बाद ये जब ग्राउंड से टकराता है इस पॉइंट लेट लेमी एक्चुअली सो ये इस पॉइंट पे टकराता है एंड लेमी मूव दिस पॉइंट हेयर और दोबारा ये इधर से इस पॉइंट तक जाता है रिबाउंड होके और ये वाली जो हाइट है जहाँ तक ये रिबाउंड होके जाता है उसे हम एच टू कह लेते हैं और वो भी गिवन है हमारे पास वो है वन पॉइंट नाइन मीटर तो सवाल ये है कि जब बाल इधर ग्राउंड के साथ इन कॉन्टैक्ट होता है तो उसके एक्सर्रेशन में जो चेंज आती है वो हमने कैलकुलेट करनी है तो इसको सवाल करने का सॉल्व uh, करने का uh, तरीका यही है जैसे मैंने उसको पहले ही देखें दो सेपरेट मोशन में डिवाइड कर लिया है और हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करना है तो इस पॉइंट के लिए जहाँ पे वो गिरता है हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि दिस इज़ पॉजिटिव वाई एक्सेस ठीक है तो इसका मतलब है कि ये जो हाइट है अब चूँकि हमारा ज़ीरो ऑफ़ कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो यहाँ पे है तो ये जो हाइट है ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो एक्चुअली दिस इज़ माइनस टू पॉइंट टू मीटर विद रिस्पेक्ट टू तो द कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट वी हैव डिफाइंड फॉर दिस प्रॉब्लम और अब हम आसानी से इस हाइट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है जब वो इधर आके टकराएगा ग्राउंड से तो उसके एक्सेलरेशन उसका आ, उसकी वेलोसिटी क्या होगी हम वेलोसिटीज कैलकुलेट करना चाहते हैं क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी होता है तो इस पहले पार्ट के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सेकंड इक्वेशन वो हमें क्या देगी वाई इक्वल्स वी आई टी माइनस हाफ जी टी होता है तो वाई यहाँ पे एच वन के बराबर है और ये है माइनस एच वन क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसे डिफ़ाइन किया है इक्वल्स वी आई टी और ये वी आई वाई है टी माइनस वन डिवाइड बाई टू जी टी स्क्ड तो ये बन जाएगा माइनस टू पॉइंट टू इक्वल्स चूँकि वो गिराई जाती है बॉल तो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो है तो ये इक्वल आएगा माइनस वन डिवाइड बाई टू जी टी और यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस गेंद को गिरने के लिए कितना टाइम लगता है तो टाइम जो है वो आएगा टी इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाई टू पॉइंट टू डिवाइड बाई जी जो कि नाइन पॉइंट एट के बराबर होता है और इस सारे का स्क्वायर रूट है तो यहाँ से हमारे पास जो टाइम आता है वो आता है ज़ीरो पॉइंट सिक्स सेवन सेकेंड तो एक बार हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया तो अब हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके साथ बॉल जो है वो इधर ग्राउंड से टकराता है और उसके लिए चूँकि वो ड्रॉप किया गया था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है फाइनल वेलोसिटी भी है इनिशियल वेलोसिटी भी है टाइम भी है और जी तो हमें पता ही पता है तो हम उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जिससे वो बॉल इधर ग्राउंड से टकराएगा एंड दैट इज़ सिंपल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप यूज़ कर लें यहाँ पे तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमें देगी फर्स्ट इक्वेशन वो है, GT, है? है वी एफ वाई इक्वल्स वी आई वाई माइनस जी टी जो किसके इक्वल है माइनस जी टी के इक्वल है क्योंकि वी आई जो है वो ज़ीरो है और जी की वैल्यू भी हमें पता है टी की वैल्यू ये ऊपर हमने पॉइंट सिक्स सेवन सेकेंड्स कैलकुलेट की है तो यहाँ से जो वी एफ़ वाई आ जाता है वी एफ़ वाई वो किसके इक्वल आता है माइनस सिक्स पॉइंट फाइव सेवन सेकेंड्स के तो ये हमने वो वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली जिससे बॉल जो है वो ग्राउंड से टकराता है अब हमने ये देखना है कि जब बॉल रिबाउंड होकर ऊपर जाता है यानी इस वाले सिनेरियो में तो उसकी ये वाली वेलोसिटी क्या होती है जिस वक्त वो ग्राउंड को छोड़ रहा होता है यानी अभी अब हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी चाहिए सही है और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए और हमें ये बताया गया है कि जो बॉल है वो टोटल वन पॉइंट नाइन मीटर की हाइट तक जाता है तो फाइनल उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है और इसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमारा जो ग्राउंड लेवल है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ग्राउंड पे ही है यानी जो ग्राउंड लेवल है वो हमारा ओरिजन है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा तो इस केस में हाइट जो है वो हमारे पास प्लस वन पॉइंट नाइन मीटर है तो अब हम इसको यूज़ करते हुए इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और वो हम कर सकते हैं थर्ड इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास माइनस टू जी एच टू इक्वल्स वी आई वाई स्क्वेयर्ड माइनस वी वी एफ वाई स्क्वेयर्ड माइनस वी आई वाई स्क्वेयर तो यहाँ से जो वी आई वाई है वी आई वाई है वो आ जाएगी टू जी एच टू स्क्र रूट और इसकी वैल्यू आती है हमारे पास सिक्स पॉइंट वन मीटर्स पर सेकेंड तो अब हमारे पास दोनों वेलोसिटीज आ गई हैं यानी जिस वेलोसिटी से बॉल जो है वो ग्राउंड से आके टकराता है और जिस वेलोसिटी से वो रिबाउंड होता है अब हमने ये देखना है कि जब हम एक्सेलरेशन लेंगे और एक्सल हमें पता है कि किसके इक्वल होता है ए मैग्नीट्यूड उसकी वी एफ़ माइनस वी आई डिवाइड बाई जितना टाइम लगता है उसको ये वेलोसिटी चेंज करने में और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना है कि वी एफ़ कौन सी है और वी आई कौन सी है वी एफ फाइनल स्पीड है और फाइनल स्पीड उसकी ये वाली बनती है जब वो ग्राउंड को छोड़ रहा होता है और जिसको यहाँ पे हमने वी आई के नाम से कैलकुलेट किया है तो उसकी फाइनल स्पीड है सिक्स पॉइंट वन तो ये बन जाएगा सिक्स पॉइंट वन माइनस उसकी इनिशियल स्पीड जिससे वो आके टकराता है वो कौन सी थी ये वाली सिक्स पॉइंट सेवेन तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस सिक्स पॉइंट सेवन और टाइम हमें दिया हुआ था वो कितना था नाइन्टी सिक्स मिली सेकेंड जो के बन जाता है नाइन्टी सिक्स इंटू ट्रेस पावर माइनस थ्री सेकेंड्स और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है ए हमारे पास इक्वल आता है वन थर्टी मीटर्स पर सेकंड के और चूँकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है इस वाली डायग्राम में यहाँ पे सिर्फ़ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था और वो इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि वो नॉमन क्लेचर के रिलेटेड है और वो जो मैंने इन वेलोसिटीज को नाम दिए थे वी एफ वाई और वी आई वाई ठीक है ये सिर्फ नाम है नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कॉन्सेप्ट है और वो जो मैंने यहाँ पे आपको कहा है कि आपने ये देखना है कि वी एफ़ इनमें से कौन सी है और वी आई कौन सी है क्योंकि हम एक्सल कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्सल हम कैलकुलेट कर रहे थे जब बॉल ग्राउंड से टकराता है तो हमने ये देखना था कि बॉल को की जो स्पीड ग्राउंड को छोड़ के जाते हुए है वो वी एफ़ है और उसको हमने देखें यहाँ पर वी आई के नाम से कैलकुलेट किया है और जिस वेलोसिटी से बॉल आके ग्राउंड से टकराता है वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है और उसको इंटरेस्टिंगली हमने वी एफ वाई के नाम से या जाहिर किया था लेकिन उसकी जगह यहाँ पे हमने उसको वी आई की वैल्यू में पुट किया है सो दिस इज़ जस्ट द नॉमन क्लेचर द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द कॉन्सेप्ट